हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे और सेफ होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। ये मेरा बिफोर लुक है और आफ्टर लुक आपने पहले देख ही लिया। तो मैं फेस को मॉइस्चराइज करने से स्टार्ट करूँगी। तो मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र के लिए यूज़ कर रही हूँ निविया सॉफ्ट की मॉइस्चराइज़र क्रीम, और ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फेस पे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मॉर्फी की द जैकलिन हिल पैलेट, उसमें से डार्क ब्राउन शेड लेके मैं अपने ब्राउज़ को फिल करूँगी और एक अच्छा सा शेप देते हुए मैं ब्राउज़ को अच्छे से फिल कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ क्रायलॉन की टीवी पेंट स्टिक, और ये कंसीलर है क्रायलॉन का। तो इसको मैं ब्राउज़ के नीचे शेप देते हुए अप्लाई करूँगी, जिससे कि मेरी आईब्रोज इन्हेंस हो जाएं और क्लीन लगें। तो इस तरीके से मैं शेप देके अच्छे से अप्लाई कर लूँगी एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से। और मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प से कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करूँगी, जिससे कि एक्सेस अमाउंट में जो कंसीलर होगा वो हट जाएगा। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लूज़ पाउडर, और ये मियोन का लूज़ पाउडर है। तो इसको मैं कंसीलर को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो मैं ब्रश की हेल्प से कंसीलर को अच्छे से सेट कर लूँगी। उसके बाद मैं द जैकलिन हिल पैलेट यूज़ कर रही हूँ आई शेडो पैलेट, उसमें से एक ट्रांजिशन शेड लेके पूरे आईलेट के ऊपर अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड करूँगी, जिससे कि आई शेडो ब्लेंडेड लगे। उसके बाद मैं एक डार्क ब्राउन शेड लेके क्रीज लाइन के ऊपर अप्लाई करूँगी और साथ में ही ब्लेंड करती जाऊँगी। उसके बाद मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लू कलर की आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, जो मैं पूरी आईलेट के ऊपर अप्लाई करूँगी। और उसके बाद मैं ये स्मोकी लुक के लिए ब्लैक कलर की आई शेडो यूज़ कर रही हूँ, और उसको आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करते हुए क्रीज लाइन के ऊपर तक ब्लेंड करूँगी, जिससे कि स्मोकी इफ़ेक्ट मिल जाए। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ काजल, और ये लैक्मे का आइकॉनिक काजल है। तो उसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी आईज मेकअप को कम्प्लीट करने के पहले ही, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक मैं एंगुलर ब्रश की हेल्प से वही सेम शेड यूज़ कर रही हूँ, लोअर लैश लाइन के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। इस तरीके से मैं अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मैट लुक का मस्कारा, तो मैं अच्छे से लैसेस को कोट कर लूँगी इस तरीके से। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आई लाइनर, और एक हल्का सा विंग ड्रॉ करूँगी, बेसिक सा आई लाइनर ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से। उसके बाद मैं फेस मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, और ये मालियो का सिलिकॉन बेस प्राइमर है, तो ये मेरे पोर्स को फिल कर देगा। तो इस तरीके से मैं पहले फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी, और उसे ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी पूरे फेस पे अच्छे से। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एन बाय बे का ऑरेंज कलर करेक्टर, जो मैं अंडर आई एरिया और जो मेरे स्पॉट्स हैं उनको हाइड करने के लिए अप्लाई करूँगी इस तरीके से। जहाँ जहाँ मुझे स्पॉट है मैं वहाँ वहाँ अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एल ए गर्ल का इल्यूमिनेटिंग HD फाउंडेशन, तो मैं पूरे फेस पे इस तरीके से डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से इसको फेस पे इवनली स्प्रेड कर दूँगी। फाउंडेशन को स्प्रेड करने के बाद मैं एक बैट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करूँगी, जिससे कि फाउंडेशन केकी या पैची ना लगे। और ये फुल कवरेज फाउंडेशन है और ड्राई स्किन के लिए बेस्ट फाउंडेशन है ये। तो इस तरीके से मैं नेक पर और ईयर पर भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और उसको ब्लेंड कर दूँगी। उसके बाद मैं हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करूँगी क्रायलॉन की टीवी पेंट स्टिक, तो मैं हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर इस तरीके से अप्लाई कर लूँगी
अंडर आई एरिया पर भी अप्लाई कर लूँगी कंसीलर को, और अच्छे से ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंड कर लूँगी कंसीलर को। और यहाँ ब्लेंडिंग पर ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा टाइम देकर अच्छे से ब्लेंड करना है, नहीं तो फेस केक ही देख सकता है। तो अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं इस तरीके से। उसके बाद मैं फेस मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ करूँगी वही सेम लूज़ पाउडर, जो मियन का लूज़ पाउडर मैंने यूज़ किया था पहले, वही लूज़ पाउडर मैं फेस मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे पाउडर ब्रश की हेल्प से पूरे फेस पर लूज़ पाउडर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं कॉन्टूरिंग करूँगी। कॉन्टूरिंग के लिए मैंने यूज़ की है सिवाना की कॉन्टूरिंग हाइलाइटिंग एंड ब्लश पैलेट, उसमें से कॉन्टूरिंग वाला शेड इस तरीके से मैं शेप देती हुए अप्लाई करूँगी, जिससे कि मेरा फेस स्कल्टेड दिखे। तो मैं नोज़ को भी कॉन्टूर करूँगी। तो इस तरीके से पहले मैंने अप्लाई किया और अच्छे से ब्लेंड कर दिया। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लशर, और ये ब्लू हेवन का डायमंड ब्लशर है, तो इसका शेड है पीची पिंक टाइप का कुछ, तो उसको मैं अप्लाई कर लूँगी, स्माइल करती हूँ। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर की मिनी लिक्विड लिपस्टिक, तो मैं लिप्स को शेप देते हुए लिपस्टिक को अप्लाई कर लूँगी। इस तरीके से शेप देते हुए अप्लाई करूँगी, और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ PAC का बेक्ड हाइलाइटर, तो मैं स्माइल करते हुए चीक बोन्स, ब्रिज ऑफ द नोज़, फोरहेड और चिन के ऊपर अप्लाई करूँगी, जिससे कि मेरा मेकअप ग्लो करे, और ब्राउ बोन्स पर भी अप्लाई करूँगी एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से। लास्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप फिक्सर, और ये मेकअप फिक्सर है स्विस ब्यूटी का। तो ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक। अगर आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।